हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। मैं लिटिल फ्लावर एकेडमी से आपकी पूर्णिमा मैम आपको क्लास सेकेंड की हिंदी पढ़ाने चल रही हूँ। आज आप अपनी क्लास टू की कहानी रंगा सियार पढ़ेंगे, जो देखिए आपके व्हाइट बोर्ड पे है रंगा सियार, जिसको हम आज पढ़ने जा रही है कहानी है। बच्चों, आपको कहानी सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस कहानी से हम आपको कुछ सिखाएंगे भी। ये देखिए सियार क्या बना है आपके स्क्रीन पे, सियार। चलिए सारे बच्चे अपना अपना बुक खोल लीजिए और देखिए आपके बुक में ये सियार बना हुआ है, रंगा हुआ सियार है। ये अपने आप को कलर कर लिया है, इसी से ये रंगा सियार कहलाया है। कलरफुल सियार को रंगा सियार। तो हम आपको कहानी शुरू करते हैं। बच्चों, आपको कहानी सुनना तो बड़ा अच्छा लगता है, तो हम आपको कहानी सुनाते हैं। देखिए, जंगल में शीलू नाम का एक सियार रहता था। सियार का नाम क्या था बच्चों? शीलू। वो जंगल में रहता था। एक दिन अपनी भोजन की खोज में वो गांव आ गया। कहाँ आ गया बच्चों? गांव आ गया। और घूमते घूमते वो एक घर पे पहुंचा। वो धोबी का घर था। किसका घर था? धोबी का। धोबी आप लोग जानते हो, कपड़ा धुलने वाला जो होता है उसको धोबी कहते हैं। धोबी लोग घर पे कपड़े धुलने के लिए बहुत बड़े बड़े हौज का इस्तेमाल करते हैं। हौज मतलब बड़ा सा हौज जिसमें पानी भरा रहता है। हौज, देखिए ये लिखा हुआ हमने, हौज, हौज जिसमें पानी भरा रहता है, उसमें नील भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? धोबी जब कपड़ा धुलते हैं तो उसको नील में डुबोकर कलर करके सुखाते हैं, तो उसमें वो गिर गया। कौन गिर गया? शीलू सियार उसमें गिर गया। और गिरकर वो बहुत, पूरा शरीर गिरने के बाद उसका पूरा शरीर नीला हो गया। बड़े मुश्किल से वो वहाँ से निकल के बच्चों कहाँ गया? जंगल। जब वो जंगल गया तो सभी जानवरों को बोला कि देखो देखो, मुझको भगवान ने जंगल का राजा बना के भेजा है। देखो, मैं आप लोगों से अलग दिख रहा हूँ और जंगल का राजा बन गया हूँ। तो सारे जानवर उसको देख करके समझ गए कि नहीं, सब जरूर ये हमारा जंगल का राजा है, इसको भगवान ने हमारे लिए भेजा है। लेकिन कुछ उसमें एक चीनू नाम का बुद्धिमान सियार था। वो समझ गया कि ये हमें मूर्ख बना रहा है। क्या बना रहा है? मूर्ख। बुद्धिमान मतलब क्या होता है बच्चों? समझदार। तो उसमें जंगल में एक चीनू नाम का सियार था, वो बहुत बुद्धिमान था, जो समझ गया कि नहीं, हमें ये जो शीलू सियार है ये हमें मूर्ख बना रहा है, लेकिन ये हम इसका पता लगाएंगे। सभी अपने सारे जानवरों को उसने कहा कि चलो हम इसका पता लगाते हैं कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो उस सब जानवरों को उसने कहा कि इसका पता कैसे लगाया जाए। तो बच्चों बताइए, कैसे पता लगा था चीनू सियार? तो चीनू सियार ने अपने सभी जानवर बंधु से कहा कि हम लोग रात में इकट्ठा हो जाएं और हुआ कि आवाज़ निकालेंगे। अगर वो सियार होगा तो अपनी आवाज़ में वो हुआ करेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये सचमुच का भगवान का भेजा हुआ हमारे लिए राजा है या सियार है, शीलू सियार की सच्चाई बताने के लिए चीनू ने ये प्लान बनाया। क्या बनाया? योजना बनाया। तो बच्चों बताओ बच्चों, ये चीनू सियार क्या था? समझदार था या कैसा था? शीलू सियार जो है सभी जानवरों को बुद्धू बना रहा था, तो चीनू सियार की बात मान ली। तभी रात में उसने कहा कि हम इस प्लान को रात में बनाएंगे। कब बनाएंगे? रात में। जब रात में, देखो बच्चों, रात में क्या होता है, चांद तारे निकल जाते हैं और रात में एकदम सन्नाटा हो जाता है। क्या हो जाता है? सन्नाटा। जब सन्नाटा हो जाता है तब जब हम कुछ भी आवाज़ निकालते हैं वो हमारा एकदम साफ साफ सुनाई देता है। तभी उसने रात में हुआ की आवाज़ निकाली। किसकी आवाज़ निकाली? हुआ की। जब हुआ की आवाज़ निकाली तो शीलू सियार जो था वो उनके जाल में फंस गया और उसने भी हुआ की आवाज़ निकाल दी। जब वो हुआ की आवाज़ निकाली
तो चीनू सियार सारे जानवरों के साथ आ कर के और उसकी बहुत पिटाई की, और वो लोग समझ गए हैं कि सीलू जो सियार है वो जंगल का राजा नहीं है, वो अपने आप को कलर करके आके हमें बुद्धू बना रहा है। तो उसकी खूब पिटाई की, फिर उसने कहा कि मुझे सब लोग क्षमा कर दो, हम आप लोगों को मूर्ख बना रहे थे, अब हम आप लोगों को मूर्ख नहीं बनाएंगे। इस कहानी में देखिए बच्चों, ये देखिए, ये रात के समय में सियार हुआ हुआ की आवाज़ निकाल रहे हैं और सारे जानवर जो हैं पीछे खड़े होकर देख रहे थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, चाहे हम इंसान हों चाहे जानवर हों, कभी किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए, कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम लोग भी झूठ बोलते हैं कभी कभी और अपने ही झूठ में फंस जाते हैं, तो आप लोग ऐसा अब कभी नहीं करोगे। चीनू सियार की तरह आप लोग सब समझदार बनोगे। तो बच्चों, इस कहानी में हमको क्या क्या मिला सीख कि हमको दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। थैंक यू।